ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए 12.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ये जो दो सर्कल है इनके जो सर्कल का जो एरिया है उनको ऐड करेंगे तो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर आएगा। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी पैटर्न पर सेकंड क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे एक सर्कल ये मान लीजिए इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सर्कल यहाँ इससे थोड़ा सा छोटा बना दीजिए, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और एक यहाँ पे बड़ा सर्कल बना दीजिए, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R मान लो। ठीक है, इस तरह से आप मान सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ सर्कल सभी लोग फॉर्मूला जानते होंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं ये इन दोनों सर्कल के जो एरिया का सम है वो इसके बराबर है, यानी कि इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा देखो पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे 8 दिया है, सीधे सीधे ही लिख लो पाई आर स्क्वायर प्लस इसके एरिया का क्या है पाई 6 का स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर आर की जगह 6 है इजकल टू इसके एरिया के बराबर है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पाई कॉमन ले लीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बचेगा इजकल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जा 64 प्लस 6 जा 36 इजकल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ लिख लो तो 36 और ये जोड़ लो कितना हो गया 100। तो आर देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना,